एक मां एंजॉय करे तो फाइटिंग करे तो ऊपर पर करे कि चटक के लाग जाना निशा जी के पैर में अनहोनी नहीं थे भाई। भोजपुरी की जानी मानी गायिका निशा उपाध्याय को छपरा में स्टेज शो के दौरान गोली लग गई। ये गोली स्टेज शो पर हर्ष फायरिंग के दौरान लगी है। गोली लगने के बाद थोड़ी देर तो वो सामान्य नजर आई, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा उनकी हालत गंभीर होती चली गई। आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन स्थिति को देखते हुए निशा को पटना रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि निशा उपाध्याय एक कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए छपरा आई थी, जहां बीच कार्यक्रम में ही स्थानीय लोगों ने हर्ष फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान एक गोली निशा के पैर में लग गई। इस घटना के बाद हड़कंप मच गया और लोगों की भीड़ उनके आसपास जमा हो गई। एक मां एंजॉय करे तो फाइटिंग करे तो ऊपर पर करे कि चटक के लाग जाना निशा जी के पैर में। अनहोनी नहीं थे भाई, औकड़ी पथरी पड़ल बा। मान ली कि ऐसा मत ठोको, एंगन मजाक में ये कार्यक्रम करता निशा बलिया में। मजाक मजाक में गोली गोलू की गोल हाथ में लग गई। वो मंच पर देखी बाल बाल 2 मिनट पहले हम बैठा रहा। ऐसे एंजॉय होके अपना घर हो ऊपर पड़े हो। और रिशु भैया सर चार की तभी मंच तक आ जाए। रिशु भैया प्लीज मंच तक आ जाए। और आई गीत और संगीत की दौर में फिर से चला जाओ। आई निशा जी एक दुगो हो जाओ और के बाद फिर निकल जाए जैसा आदेश हुई। आपको बता दें कि जनता बाजार के सेंदुआर गांव में मंगलवार को उपनयन संस्कार का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक आयोजन की व्यवस्था की गई थी, जिसमें भोजपुरी गायिका निशा उपाध्याय को शामिल होना था। निशा के आने के बाद कार्यक्रम देर रात तक चला। इस दौरान एक युवक ने कट्टा लहराया और हर्ष फायरिंग शुरू कर दी। हर्ष फायरिंग के दौरान एक गोली निशा के पैर में लग गई। बताया जा रहा है कि डॉक्टर ने निशा उपाध्याय का ऑपरेशन कर पैर से गोली को निकाल दिया है। घटना को लेकर स्थानीय पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं है। इस घटना के संबंध में जनता बाजार थाना के थाना अध्यक्ष विकास कुमार ने बताया इस घटना की सूचना थाना और पुलिस को भी नहीं है।